पहले ऐसी खबरें आई थी कि मेघना गुलजार एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी पर फिल्म बनाना चाहती हैं। अब इस फिल्म के बारे में यह खबर आई है कि इससे दीपिका पादुकोण भी जुड़ चुकी हैं। दीपिका न सिर्फ इस फिल्म में लक्ष्मी अग्रवाल का कैरेक्टर प्ले करेंगी बल्कि इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगी। दीपिका ने इस बारे में कहा कि जब मैंने ये कहानी सुनी तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक महिला के साथ वायलेंस की कहानी नहीं है बल्कि यह उस महिला की मजबूती और बहादुरी की भी कहानी है। इस कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं एक्टिंग के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का भी डिसीजन ले चुकी हूँ। बता दें कि लक्ष्मी अग्रवाल सिर्फ 16 साल की थी जब 2015 में दिल्ली के एक बस स्टॉप पर एक 32 साल के आदमी ने उन पर एसिड डाल दिया था। हमला करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी के परिवार के जान पहचान का ही था और वह लक्ष्मी पर आकर्षित था। साल 2006 में लक्ष्मी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जिसमें गैर कानूनी रूप से एसिड बेचने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि मेघना गुलजार इससे पहले राजी जैसी सुपरहिट और वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड मूवीज भी डायरेक्ट कर चुकी है और अब देखना ये होगा कि दीपिका पादुकोण के साथ मेघना गुलजार की जोड़ी कितनी हिट होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हिमांशी, पंजाब केसरी, दिल्ली।